नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल हमारे और आपके बीच एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुखद खबर निकल कर आई थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रचारक भी उनको कह सकते हैं, जिनका नाम है यशपाल गौतम जी, उनके निधन की खबर आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी। उस खबर को सुनने के बाद समाज के व्यक्तियों में, समाज के युवाओं में व बहुजन समाज के व्यक्तियों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला। समाज के व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। दुखी होने के बाद, उनके निधन की खबर सुनने के बाद, आखिर उन्होंने क्या कुछ सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी से मांग की, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से क्या कुछ अपील की, आखिर उनको क्या कुछ अब तक मदद मिली, उनके परिवार को क्या कुछ मदद मिली। साथियों, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जान डालने वाले व्यक्ति थे, बहुजन समाज पार्टी की लाखों की भीड़ में अलग चमकने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम है यशपाल गौतम। यशपाल गौतम हापुड़ के रहने वाले थे, गरीब साधारण परिवार से थे, उनके पास ज़्यादा जो फैसिलिटी नहीं थी, जो संसाधन थे उन्हीं से अपना गुजर बसर करते थे और BSP सुप्रीमो मायावती जी की हर एक रैली में जाते थे। साथियों, उन्होंने द्वारा कई चैनलों पर यह भी बात की गई थी कि मेरे पास इतना संसाधन नहीं था कि जिससे कि मैं BSP की जो, यानी कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि BSP के लिए मैं ज़्यादा डिजिटल तरीके से जा पाऊँ। मेरे पास जैसा भी हो पाता है, मैं हर महीने अपने गुल्लक में 150 रुपये हर महीने डालता हूँ और जब तक रैली आ पाती है तब तक मैं BSP सुप्रीमो मायावती जी की रैली के लिए एक बोर्ड तैयार कर लेता हूँ, जो कि कटआउट आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस तरीके से वो यशपाल गौतम जी, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, ऐसी बड़ी स्थितियों में अपने सर पर बड़ा बोझ लादे हुए खड़े रहते थे। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो 4 बार बन चुकी हैं, पर इस देश की, भारत देश की प्रधानमंत्री भी बने। उनका ये सपना था, लगातार उनके कटआउट जो हैं, जो उनके जो सर पर जो लेके कटआउट लेकर खड़े रहते थे, वो जो बोर्ड लेकर खड़े रहते थे, उनमें साफ साफ सीधा निकाल रहता था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने। तो साथियों, वो कोई आम इंसान नहीं थे, उनके संघर्ष, उनके बलिदान को देखा है समाज ने, तभी समाज के व्यक्तियों में रोष था, समाज के व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दुखी नहीं होता है, पर साथियों, जब हीरा, अनमोल चमकने वाला हीरा, लाखों की भीड़ में अलग चमकने वाला हीरा जब समाज के बीच से चले जाए, समाज की बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज के महापुरुषों को नए मिशन को बड़ी दिशा देने वाले, बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन को, कारवा को आगे बढ़ाने वाला युवा जब समाज के व्यक्तियों के बीच से चला जाता है, तो समाज में वास्तव में दुख होता है। समाज में जब दुख हुआ तो समाज ने एक अपील की कि BSP सुप्रीमो मायावती जी, जो यशपाल गौतम जी हैं, उनकी हर संभव मदद करें। पर साथियों, समाज को इस बीच निराशा हासिल हुई, पर ये निराशा करने की बात नहीं है। हम आपको बता दें, BSP सुप्रीमो मायावती जी जो एक बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं, उनकी कभी ये आदत नहीं रही कि कोई भी काम करने के बाद ढिंढोरा पीटें। यानी कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं, अन्य जो राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 5 रुपये का काम करते हैं, 50 रुपये का प्रचार करते हैं, यानी कि 5 रुपये का किसी 5 रुपये किसी गरीबी के साथ खर्च करते हैं और 50 रुपये डिजिटल जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उनमें खर्च करते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, जिससे कि वो 5 रुपये का काम उनको, जो जनता को ऐसे लगे कि 5 लाख रुपये उनको गरीब को दिए हैं। तो ऐसी आदत BSP सुप्रीमो मायावती जी में नहीं है। और इसी बीच तमाम युवा व्यक्ति दुखी हो रहे थे कि BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ना तो कोई ट्वीट किया, ना उनके परिवार के साथ संवेदनाएं दी, ना उनके परिवार को कोई भी आश्वासन दिया, ना कोई मदद की। ना साथियों, ये बात मुझे भी नहीं पता क्या किया क्या नहीं। साथियों, हम आपको बता दें, BSP सुप्रीमो मायावती जी जो कुछ भी करती हैं वो गुप्त कर देती हैं। यानी कि हम आपको बता दें, जो रोहित मेमूला जी हैं, उनके साथ जो भी घटना हुई थी, उनके परिवार की जो भी मदद की थी, वो BSP सुप्रीमो मायावती ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी मदद की थी, पर उन्होंने उजागर नहीं की, ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने ये किया इस परिवार के लिए, मैंने वो किया, क्योंकि ये बात BSP सुप्रीमो मायावती ना कभी करती हैं, ना कभी करी और ना कभी करती हैं। तो साथियों, जो अन्य राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरह BSP सुप्रीमो मायावती जी की बिल्कुल आदत नहीं है। और हमने एक फैसला लिया है, समाज के व्यक्तियों की मांग पर एक फैसला लिया है कि हम जाएंगे हापुड़। यानी कि आज अगर हम
परमिशन वगैरह मिल जाती है तो आज हम हापुड़ निकल जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से ये जानेंगे कि आखिर किसने कितनी मदद की, कौन से विधायक बसपा के, कौन से MLA ने कितनी मदद आपको दी, क्योंकि बसपा में जीवन कुर्बान कर देने वाले यशपाल गौतम जी थे, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले यशपाल गौतम जी थे। तो सभी विधायकों का, सभी जो भी हैं लोकसभा जो भी हैं राज्यसभा सांसद जो भी हैं, सबका फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें, हर संभव मदद करें। उन पर 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी भी है, उनकी मदद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले से मजबूत नहीं थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहे। वो किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करते थे। लॉकडाउन में जब परिस्थिति बनी तो उन्होंने ठेला भी लगाया, जो कि लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो साथियों, जब BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कोई भी नहीं किया तो समाज के व्यक्ति में रोष देखने को मिला। इसी बीच सुधेंद्र भदौरिया जी का ट्वीट आता, सुधेंद्र भदौरिया जी बोल देते हैं कि सभी को दुखद श्रद्धांजलि, यानी कि इस ट्वीट से खास फर्क नहीं, समाज में और ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। समाज सोचने लगा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, 2 शब्द बोलकर व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो ये गलत बात है। जिस व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, जीवन जवानी कुर्बान कर दी, उस व्यक्ति के लिए सिर्फ 2 ही शब्द उस व्यक्ति की लाखों में मदद करनी चाहिए थी। पर साथियों, ये मदद ना तो बसपा के किसी सांसद या विधायक, मैं नहीं कहूँगा की है या नहीं, पर समाज के व्यक्तियों ने, जो आम वर्ग का व्यक्ति है, मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की है उस पीड़ित परिवार की, यानी कि यशपाल गौतम जी के परिवार की बड़ी मदद की है। और ये हम जानने के लिए जाएंगे हापुड़ आज। हो सकता है कि आज हम निकल जाएं परमिशन मिलने के बाद। आपको पता है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप बने रहिए इस चैनल पर, इस चैनल से जुड़े रहिए। और तमाम युवाओं ने ये भी धमकी दे डाली, ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर BSP सुप्रीमो मायावती जी ने, जो यशपाल गौतम जी के साथ नहीं खड़ी हुई या उनकी मदद नहीं की, तो हम बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से हमारा विश्वास उठ जाएगा। ये शब्द उन व्यक्तियों के थे, ये शब्द उन युवाओं के थे जो कि बहुजन समाज पार्टी, जिस तरीके से यशपाल गौतम जी ने कुर्बान किया था सब कुछ, उसी तरीके से कुर्बान करने वाले युवाओं की ये बयानबाजी थी। तो साथियों, आप समझ सकते हो कितने दुखी हैं युवा। BSP सुप्रीमो मायावती जी को भी सोचना चाहिए कि अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। अब समाज का जिस तरीके से, जो अन्य जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो अपने हथकंडे अपने समाज में जगह बनाने के लिए अपना रहे हैं, वही हथकंडे अपनाने की ज़रूरत है। यानी कि आपको पता है कि 5 का काम करो, 50 का प्रचार करो तो सबको दिखाई देता है, समाज भी खुश रहता है। पर साथियों, वो व्यक्ति कभी जो खुश नहीं रहता, जो 5 रुपये की मदद पाकर खुश है, और वो कभी नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जितनी उसको मदद करनी चाहिए तो उतनी अगर उसको मदद मिलेगी, जो प्रचार में 50 रुपये खर्च कर रहे हो, उस व्यक्ति के पास जाकर उन सभी पैसे को, जितना बजट है, उसके साथ खड़े करो, तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बड़ी मदद मिलेगी। तो साथियों, यही सब मैं आपको बताने के लिए आता, कोई खबर नहीं थी। आप भी सोच रहे होंगे कितना लंबा वीडियो खींच दिया साथियों, कि कोई खबर नहीं थी, महत्वपूर्ण बिंदुओं थी जिन पर बात करनी थी, और जो विषय था उन पर बात रखी हमने, मैंने अपने विचार रखे, आप अपने कमेंट में विचार रखना। BSP सुप्रीमो मायावती ने हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं किया, पर साथियों, समाज के व्यक्ति पीछे नहीं हट रहे हैं, समाज के व्यक्ति हर संभव मदद कर रहे हैं यशपाल गौतम जी के परिवार की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि BSP सुप्रीमो मायावती जी को क्या करना चाहिए, बसपा को क्या करना चाहिए यशपाल गौतम जी के परिवार के लिए। अगर आप अपनी राय दोगे तो हम आपकी राय पर वीडियो बनाएंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट में राय देना।